गाइज गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको प्यारे सी गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं उठ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ, देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए मैं जा रहा हूँ दूध देने के लिए, दूध की बाल्टी मैंने पकड़ ली। सबसे पहले मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ सुबह के टाइम में, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं और आज भी सभी जगह बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपको नज़ारे दिखाते हैं सुबह के बेहतरीन, और बहुत कुछ होने वाला है दिन पे। फ़ोन भी चार्ज करने जाना है गाड़ी पे चकोटा पे साइड पे, और उसके बाद दिन भर भी बहुत कुछ होने वाला है। और आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सामान वामान लाने भटेलिया जाना है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं। पहले दिखाता हूँ आपको खूबसूरत नज़ारे सुबह के टाइम में। दोस्तों मेरे साथ है ये पुष्कर भाई, मेरा भतीजा, इसी का आज बर्थडे है, तो इसी के लिए अभी जाना है वहाँ पे सामान लेने में भटेलिया पे। तो इसको हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों पुष्कर, क्या कह रहा है उनको बता, धन्यवाद बोल सबको। धन्यवाद, सबको धन्यवाद बोल। धन्यवाद। और क्या कहेगा, और जल्दी बता। मेरा चाचू के चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। पुष्कर बोल रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो हमारे परिवार की तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से इसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से कसले मार्केट की तरफ। दीपक भाई यहाँ पे, चिमन को वहाँ पे बादरा खूटे से, तो हम निकलते हैं कसले को और बच्चे लोग आएंगे बाद में। बर्फ़ के नज़ारे अभी सुबह से ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अभी दोस्तों देख रहे हैं नीचे कितना हार्ड हुआ है, अभी पाला गिर के बर्फ़, जो बर्फ़ अटकी हुई थी उसके ऊपर पाला गिर गया, और देखिए कितनी हार्ड हो रखी है। और इसी तरह की मेन रोड में अभी हुई होगी बर्फ़, पाला गिर रहा होगा तो काफ़ी रिस्की हो रहा होगा। ये देखिए तो दोस्तों दूध तो यहाँ पर फिलअप कर लिया है, मैं हूँ अभी कसले मार्केट में, मेरे पीछे देखिए। तो यहाँ से निकलेंगे चकोटा की तरफ को, और कसले मार्केट में शानदार नज़ारे अभी सुबह के टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पे नज़ारे बने हैं। बर्फ़ अभी भी काफ़ी अटकी हुई है यहाँ पे, और मुक्तेश्वर घाटी में सामने का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का व्यू आ रहा है मॉर्निंग टाइम में कसले मार्केट में। सामने जो बांज का पेड़ दिख रहा है वहाँ पर हमारा भोलेनाथ बाबा का मंदिर, और आज क्लाउड आए हुए हैं, और ये जो सामने विजिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको, ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये है मुक्तेश्वर टेंपल, मुक्तेश्वर घाटी इस तरफ को है। तो देखिए शानदार व्यूज हैं अभी मॉर्निंग के समय में। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं चकोटा साइड को, और मेरे पीछे देखिए ऊपर जो रोड देख रहे हैं, ये है मेन रोड भटेलिया मुक्तेश्वर वाली, इसमें अभी भी कितनी बर्फ़ है। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं चकोटा साइड पे, पीछे है हमारी गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लगाना है फ़ोन चार्ज और आपको दिन भर का ब्लॉग दिखाना है। आज धूप भी देखिए हल्की आई हुई है, आसमान में क्लाउड आए हुए हैं, और रात भर पाला गिरा हुआ है तो बर्फ़ में, तो हवा चल रही है तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। मैं पहुँच चुका हूँ चकोटा साइड पर, यहाँ भी अभी बर्फ़ वैसे ही है, थोड़ी बहुत और भी एक दो दिन देखने को मिलेगी। मैं एक बार आपको यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखा दूँ, फिर अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, फिर आपसे आगे बातें करेंगे। दोस्तों मैं हूँ अभी चकोटा रोड पे खड़ा, और देखिए रोडों के अगल बगल और नीचे खेतों पे देखिए अभी बर्फ़ वैसे ही देखने को मिल रही है। आज है पाँचवा दिन, और इस बार बर्फ़ काफ़ी भारी मात्रा में गिरी थी, जिस कारण अभी भी दिखाई दे रही है। देखिए सामने परबड़ा, ये वाला मजेड़ा एरिया आ जाता है, और सामने मस्त ग्रीनरी, आपको खूबसूरत जंगल देखने को मिल रहे हैं, और आसमान में देखिए क्लाउड आज आए हुए हैं, धूप भी काफ़ी हल्की आई हुई है। तो ये मॉर्निंग व्यू आ रहा है चकोटा से, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो गाड़ी हमने मस्त गर्म कर ली थोड़ी देर, थोड़ा फ़ोन भी चार्ज हो गया, अब निकलना है हमें भटेलिया साइड को, जाना है रॉयल मार्ट पे, वहाँ मिलना है गणेश भाई से, और लेना है जो सुबह मैंने आपको भतीजा दिखाया पुष्कर, उसका बर्थडे है तो उसके लिए केक ऑर्डर करना है। तो निकलते हैं यहाँ से भटेलिया के लिए।
दोस्तों मैं हूं अभी मेन रोड में गंगाचौर में खड़ा हूं और यहां पर देखिए बर्फ़ तो पहले से ज़्यादा ही है और रोड में केवल लीक बनी हुई है और उस पर गिरा हुआ है पाला, तो सभी गाड़ियां यहां पर फंस रही हैं। आगे तक देखिए लंबी कतार लग चुकी है और हमारी गाड़ी ये रही। रोडों पर काफ़ी ज़्यादा पाला इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर गाड़ियाँ आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, फिसलन हो रही है। तो देखिए बहुत रिस्क है यहाँ पर भी, यहाँ कम से कम 2 महीने लगते हैं, इस जगह पर धूप आ नहीं पाती है। गंगाचौर है मेन और देखिए गाड़ी कितनी फिसल रही है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रॉयल मार्ट में। ये मेन अपनी गंगाचौर भटेले वाली रूट में आता है रॉयल मार्ट, एक मॉल टाइप का है और जो भी यहाँ पे ज़रूरत का सामान है टूरिस्ट भी यहाँ से लेता है और केक वेक ये चीज़ें सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो केक ऑर्डर करते हैं यहाँ पे और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। मैं आपको कुछ शॉट देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों हम अपने काम निपटा के हमने केक का ऑर्डर दिया, आप जा रहे हैं घर की तरफ को और देखिए गाड़ियां यहां पर कितनी फंसी हुई हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है मेन रोड में, फिसलन ज़्यादा है, एक लंबी कतार लगी है यहां पर गाड़ियों की। तो फाइनली दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं हूं अभी भालूगढ़ वाटरफॉल रोड पर खड़ा, मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और फाइनली चार्ज भी हो गया फ़ोन में और लाइट भी यहाँ पे आ चुकी है। हम लोग वेट कर रहे हैं भाई लोगों का, यहाँ पे आने वाले हैं अमित भाई और पुष्कर आ रहे हैं साथ में। हमने चलना है भटेलिया जो सुबह केक ऑर्डर हम करने गए थे तो उसी को वहाँ से लेना है, तो उसके बाद चलेंगे घर की तरफ और मैं यहाँ से अभी दोपहर के समय में शानदार नज़ारे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो व्यू अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये लोग आ चुके हैं, 1 घंटा लगा दिया इन्होंने आने में यहाँ पे, खाली बोर हो गए हम लोग भी। हरीश भाई आया हुआ है और साथ में कन्नू आया है, पुष्कर भी आया है। इतनी लेट क्यों करी पुष्कर? हाँ? इतनी लेट क्यों करी? बूबू ने बोला। चलिए अब चलते हैं भटेलिया पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, दीपू भाई करेगा ड्राइव और पीछे है पुष्कर, इसी का बर्थडे है, हरीश भाई बैठा है, उसका कन्नू है हमारे साथ। तो चलते हैं यहाँ से भटेलिया के लिए, जो इसके लिए हमने केक सुबह ऑर्डर किया था वो केक लेना है। तो चलते हैं अभी भटेलिया के लिए। तो दोस्तों अभी हम इस शॉप पे हैं और कन्नू के लिए पुष्कर के लिए देख रहे हैं रिक्शा यहाँ पे, तो अगर हमें मिलता है तो देखते हैं। और भटेलिया में छतों के ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है सभी जगह, देखें जैसा ऐसे लग रहा है जैसे बारिश ही हो रही होगी। तो दोस्तों मैं अभी भटेलिया मार्केट पे ही खड़ा हूँ और भटेलिया मार्केट में हमें जो हम ढूंढ रहे थे शॉप पे वो तो हमें मिल नहीं पाया और सामने अभी देखिए नज़ारा काफ़ी मस्त देखने को मिल रहा है। और भटेलिया मार्केट में थोड़ा अभी क्राउड भी है, लोग काफ़ी हैं भटेलिया मार्केट में अभी। तो चलते हैं यहाँ से रॉयल मार्ट की तरफ और पुष्कर का वहाँ से बर्थडे केक उठाना है, फिर निकलेंगे घर की तरफ को। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रॉयल मार्ट में, अपना बर्थडे केक उठाते हैं यहाँ से पुष्कर का। घर पे और घर की छत पे खड़ा हूँ और सामने में देखिए क्या नज़ारे आ रहे हैं अभी शाम के समय में। बर्फ तो अभी है ही और सामने देखिए क्लाउड काफी मस्त आए हैं घाटियों के नीचे, काफी मस्त व्यू, क्लीन व्यू देखने को मिला। फाइनली शाम के 7:30 बज चुके हैं और बर्थडे का कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये पुष्कर के बर्थडे का केक, नॉर्मल बर्थडे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग घर ही पे हैं, भगवान के घर के आगे तिलक लगा के दिया जला के भगवान के मंदिर में
तो हम अब नॉर्मल से यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं कुछ आपको फोटो शूट देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों केक कट गया है और सभी लोग पुष्कर को केक खिला रहे हैं। नॉर्मल बर्थडे है हमारा, सेलिब्रेट हम घर ही पे कर रहे हैं। मस्त भगवान के मंदिर में अपना दिया जलाया और दोस्तों केक सभी खिला रहे हैं। ये मेरे चाचा जी हैं जो अभी पुष्कर को केक खिला रहे हैं। बगल में दीपू भाई भी बैठा हुआ है। तो नॉर्मल सा बर्थडे है, घर ही पे है। भगवान का नाम लिया, भगवान के घर में दिया जलाया और तिलक लगाया सभी ने। तो इस प्रकार का नॉर्मल सा बर्थडे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़्यादा कहीं बाहर नहीं गए, बस यही है। तो थोड़े फ़ोटो शूट आपको और दिखाता हूँ और उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे। हमारा जो दिन भर का ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये देखिए क्या गजब बना दिया पुष्कर, उसके केक की उसकी बेजिंग उसी के मुंह में। तो हमारे पास दिवाली के कुछ पटाखे बचे हुए थे, दो चार हम उसको फोड़ रहे हैं अभी। तो ये था हमारा दोस्तों दिन भर का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद है आप लोगों को इस तरह के ब्लॉग पसंद भी आ रहे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।